5G स्मार्टफोन, 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का पावरफुल प्रोसेसर, 6.8 इंच का IPS LCD स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप और ये सभी मिलेंगे बस 10,000 के अंदर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि अंदर 10,000 का होने वाला है। दोस्तों आप 15 से 20,000 के अंदर बहुत ही आसानी से एक 5G स्मार्टफोन ले सकते हो, लेकिन आप 10,000 के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा 5G स्मार्टफोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन 5 स्मार्टफोन के बारे में जो कि 5G को होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर के साथ आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। दोस्तों हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है Itel P55 5G स्मार्टफोन। और दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें है MediaTek का Dimensity 6080 का प्रोसेसर। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है एक प्रीमियम डिजाइन के साथ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और दोस्तों इसमें है 6.6 इंच का IPS पैनल, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और दोस्तों इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। एंड इसमें 50 मेगापिक्सल का AI प्राइमरी कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और दोस्तों इसमें है 6GB प्लस 128GB रैम। एंड इसी के साथ ये आता है हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे। दोस्तों अब हम बात कर रहे थे अपने लिस्ट के 4थे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों हमारे लिस्ट के 4थे नंबर का स्मार्टफोन है Infinix Hot 35G। तो ये भी आपको 11,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि बैंक ऑफर लगा के आपको 10,000 के अंदर में आराम से मिल जाएगा। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते, इसमें है 6.78 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन IPS पैनल के साथ, और वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और ये स्मार्टफोन आता है MediaTek Dimensity 6020 के प्रोसेसर के साथ। और दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो एक बड़ी बैटरी है, इसमें 6000 mAh का बड़ी बैटरी लगा है, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। दोस्तों इसमें 50 मेगापिक्सल के एक प्राइमरी कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और दोस्तों ये आता है 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी स्मार्टफोन नहीं देता है। तो दोस्तों ये था हमारे लिस्ट के 4थे नंबर का स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं अपने 3रे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के 3रे नंबर पे है लावा ब्लेज 2 5G, जो कि दोस्तों अभी ये लॉन्च हुआ है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है एक प्रीमियम ग्लास बैक के साथ, और साथ ही आपको इसमें एक रिंग लाइट देखने को मिलती है, जो कि नोटिफिकेशन के वक्त या फिर चार्जिंग के वक्त इंडिकेट होती रहती है। और दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें 6.56 इंच का IPS पैनल, जो कि HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और दोस्तों इस स्मार्टफोन को और बेहतर बनाने के लिए इसमें लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 6020 का एक पावरफुल प्रोसेसर। और दोस्तों अगर साथ ही बात कर लें इसके कैमरे के बारे में, तो इसमें है 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और साथ ही इसमें है 5000 mAh की बैटरी, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है हमारे 3रे नंबर पे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने 2रे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के 2रे नंबर पे है Samsung Galaxy M40 5G। दोस्तों इसमें है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो कि 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और अगर हम बात कर लें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें है 6.6 इंच का LCD पैनल फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में है 50 मेगापिक्सल की AI ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर का बात कर लें, तो इसमें है Exynos 1303 चिपसेट, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है। और दोस्तों इसी के साथ ये स्मार्टफोन आता है हमारे 2रे नंबर पे। दोस्तों अब चलिए हम बात कर लेते हैं अपने पहले नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे है पोको M6 Pro 5G। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, जो कि इन 5 स्मार्टफोन के प्रोसेसर में से सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर यही है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हम डिस्प्ले की बात कर लें, तो इसमें है 6.79 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले। और दोस्तों इसमें है 5000 mAh की एक बैटरी, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। दोस्तों इसमें है 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और ये स्मार्टफोन आता है 8GB प्लस 256GB स्टोरेज के साथ, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। और ये आता है हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे। तो दोस्तों यही थे हमारे टॉप 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज। तो आप बताना कि आपको इन 5 स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे तगड़े लगे, और इस वीडियो को लाइक करके जाना, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो में लाते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।